Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? यस और नो, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? तो हम लोग आज की बातों को शुरू करेंगे। यस सर, कैन वी अज्यूम दैट 1/3 ऑफ द इरिगेशन इज कंप्लीटेड? नॉट एग्जैक्टली 1/3, नॉट एग्जैक्टली 1/3। यस 1/3 ऑफ इरिगेशन इज कंप्लीटेड। यस 1/3 ऑफ इरिगेशन इज कंप्लीटेड। सो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, डू लेट मी नो, जल्दी से बताएंगे सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? चलिए आइए तो बातों को शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं आज जो आपको बात करने वाला हूँ, आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे कैनाल डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं कि कैनाल क्या होता है और कैसे देख रहे होते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कैनाल डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि डिजाइन क्या होता है, कैनाल को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कैनाल डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आइए बातों को स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए बातों को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि कैनेडीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कैनेडीज आपको आइडिया रहे कि कैनेडीज थ्योरी को कैसे देखते हैं और क्या क्या कैनेडीज का अजम्पशन है, कैनेडीज के क्या क्या लिमिटेशन है, ये सारी बात करने जाएंगे हम लोग। तो चलिए आइए बात करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आई एम हियर स्टार्टिंग माय सेशन फ्रॉम मायसेल्फ, लाइक इंट्रोड्यूसिंग मायसेल्फ कि मैं कौन हूँ, फिर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है उन लोगों को बता देता हूँ, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा। ठीक है, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है पहले उनको बता देता हूँ कि माय नेम इज प्रतीक मिश्रा।
I have qualified various state engineering services examination and gate examination. Till now I have mentored more than 50,000 students. अभी तक 50,000 से ज़्यादा student को mentor कर चुका हूँ. This is my teaching experience. These are few of my favorite subjects जो आपको यहाँ दिख रहे हैं. Transportation हो गया, surveying हो गया, environment हो गया, hydrology हो गया, irrigation हो गया. ये कुछ मेरे favorite subjects हैं. ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे बात करूंगा. तो देखो जरा यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है प्रतीक 101, मैं हमेशा बोलता हूँ ये कोड नहीं है, ये बॉन्ड है आपके और मेरे बीच का, जो आपको और मेरे को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके रखा है. अब इसको कैसे यूज कर सकते हो इस बॉन्ड को, तो मैंने आपको बोला वेरियस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो. फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर यूजिंग दिस कोड. आप कॉम्बेट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे अभी मास्टर ब्लास्टर चल रहा है. तो ये सारी चीजें आपको इस कोड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी. सर दूसरी बात बताइए इससे फायदा. मैंने दूसरी बात फायदा यह है कि यू विल गेट 10% ऑफ यूजिंग दिस कोड. आपको 10% ऑफ मिलता है ये कोड यूज करने पे. मैंने बोला कोड आपको बहुत सोच समझ के कोड को यूज करना है, क्योंकि गेम इज ऑल अबाउट मेंटरशिप. ठीक है, पूरा गेम मेंटरशिप का है कि आप किसके अंडर में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. मैंने ये देख रहे हो ये है आपका दो पेड इनिशिएटिव्स हैं अनअकैडमी के. वन इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ आइकॉनिक. ठीक है, तो प्लस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो प्लस में आपको सारे टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे हु आर टेकिंग सेशंस ओवर देयर, जो आपको लाइव सेशंस के फॉर्म में दिखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में दिखेगा, बैक इंप्रूवमेंट बैच, रैंक इंप्रूवमेंट बैच के फॉर्म में दिखेगा. आपको क्विजेस दिखेंगे, आपको वेरियस टेस्ट दिखेंगे, डाउट डिस्कशन दिखेगा, ये सब आपको प्लस में देखने को मिलेगा. तो सर फिर आइकॉनिक क्या है? मैंने बोला जब भी आप चाहते हो और कुछ बेहतर करने के लिए, तो आपके लिए ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गाइडेंस जो है, एक पर्सनल कोच मिलेगा आपको, आपको स्टडी प्लानर सेशंस मिलते हैं, आपको स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, और साथ में मिलता है आपको ये पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस. ठीक है सर, मतलब ये देखिए 19th ऑफ मई से ये बैच स्टार्ट हुआ है. तो इफ एवर यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस बैच, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड यूज करना है प्रतीक 101. ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं उससे बहुत बेहतर हम लोग बात करते हैं प्लस में. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप फिर भी मिस कर दे रहे हो तो आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हो. तो मेक श्योर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट. अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी भी 9 months रिमेनिंग है, तो जस्ट गो फॉर इट. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. मैंने अगर ये बात समझ में आई तो ये मास्टर ब्लास्टर आपके लिए 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें भी सेम वही कोड यूज करके आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फीस की बात करता हूँ. सर फीस बता दीजिए, आपने बोला अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैंने बोला देखो यहाँ पे फीस जो ये कुछ पॉपुलर कोर्सेस हैं, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेस हैं, आई विल टेल यू. तो 12 month, 18 month एंड 24 month, ये बहुत पॉपुलर कोर्सेस हैं जो जनरली स्टूडेंट लेते हैं. तो 12 month का जो फीस है इट इज इन 27,225. लेकिन अगर आप देखोगे तो आप इसको EMI options में भी ले सकते हो बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दैट इज ऑफ 2,269 rupees में. मैंने सिमिलरली 18 month के लिए इट इज ऑफ 1,925. सिमिलरली 24 month के लिए यू कैन टेक इट एट 1,650. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. सर आइकॉनिक के लिए और बता दीजिए सर, थोड़ा सा जो आप बोले एक्स्ट्रा गाइडेंस वाला. तो मैंने ना आइकॉनिक के लिए 12 मंथ का प्राइस इन 45,225 एंड 24 मंथ का प्राइस इन 66,600. अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जस्ट गो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैं स्पेशल क्लासेस पे लेता हूँ, तो मेक श्योर आपको रहे. ठीक है, तो मैंने बोला चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं. मतलब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं. डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं. तो मेरे को बता दीजिए क्या सब लोग रेडी हैं? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए. अगर सब रेडी हैं तो हम लोग डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे. कम ऑन गाइस, डू लेट मी नो वंस, क्या सब लोग रेडी हैं? जल्दी से बताएंगे, क्या सब लोग रेडी हैं? यस और नो? कम ऑन गाइस, डू लेट मी नो. सर आज क्रॉप रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी भी बता दीजिए. क्रॉप रेशियो ना, इन द एंड अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल क्रॉप रेशियो की बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में मैं पूरी इसकी बात कर लूं, आपको कैनेडीज की बात कर लूं. प्लीज टेल इट्स लास्ट रेडी. ठीक है, चलो आओ तो बात करना स्टार्ट करते हैं. चलिए आइए तो बात करना स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बोला सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं व्हाट आर द वेरियस गाइडलाइन दैट हैज बीन यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग द कैनाल. ठीक है, तो मैंने बात करी आपसे गाइडलाइंस फॉर कैनाल अलाइनमेंट. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, इट इज योर गाइडलाइंस फॉर कैनाल अलाइनमेंट. ठीक है, अगर आप कैनाल डिजाइन कर रहे हैं तो वॉट आर द गाइडलाइंस दैट यू हैव टू टेक केयर. आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस को ध्यान रखना पड़ेगा कैनाल अलाइनमेंट के लिए. तो सबसे पहले मैंने बोला जो पहला आपका गाइडलाइन है इट इज कैनाल शुड बी स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो आपकी जो कैनाल है वो स्ट्रेट होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल.
ठीक है, जितना स्ट्रेट हो सकती है आपकी कैनाल को आप क्या ट्राई करोगे, जितना स्ट्रेट हो सकती है उतना ज्यादा स्ट्रेट रखने की कोशिश करोगे आप अपने कैनाल अलाइनमेंट को। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आया, ये तो हुई पहली बात। मैंने बोला दूसरी बात करता हूं, तो इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बोला, इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बोला कैनाल शुड कमांड लार्ज एरिया। ठीक है, तो कैनाल को क्या करना है, लार्ज एरिया को इरिगेट करना है, कैनाल शुड कमांड लार्ज एरिया। इसका मतलब है जो भी आप कैनाल यूज कर रहे हो इट शुड गिव वॉटर टू अ लार्ज एरिया। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। मैंने अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट बोलता है हमारा कि इफ देयर इज अ टर्न और इफ देयर इज अ कर्व, द कर्व शुड बी, कर्व्स शुड बी माइंड, कर्व्स जो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो कैनाल के बीच में, कर्व प्रोवाइड कर रहे हो तो कर्व शुड बी माइल्ड, शुड बी माइल्ड। सर ये वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि कर्व जो है वो माइल्ड होना चाहिए, ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो मैंने बोला यार इसको तो मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ और इसको मैं इससे रिलेट भी कर सकता हूँ। देखो मेरे लाल, क्या नाम है तुम्हारा, सचिन। मैंने बोला ये कर्व शुड बी माइल्ड क्यों बोला, मैंने बोला अगर देखो स्ट्रेट प्रोवाइड करोगे तो आपके लॉसेस के चांसेस कम है। बोला कैसे सर, लॉसेस के चांसेस समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला देखो कर्व आपके माइल्ड होना चाहिए, मतलब कर्व आपके माइल्ड होना चाहिए, इसका मतलब आराम से पानी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना। इसकी जगह इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपने माइल्ड कर्व बनाया, मैंने बोला एक रफ कर्व बना देता हूं, तो एक रफ कर्व बनाया मैंने, देखो माइल्ड की जगह रफ कर्व बनाया, तो ये रहा वो रफ कर्व, ये रहा वो रफ कर्व। आप पानी को एकदम से टर्न कराना चाहते हो दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है सर, रफ कर्व बना दिया। तो मैंने बोला देखो रफ कर्व में प्रॉब्लम क्या आती है, तो रफ कर्व में ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप माइल्ड कर्व नहीं बना रहे हो, रफ कर्व्स बना रहे हो, तो मैंने बोला ये वाटर इधर जाएगा, और जब ये वाटर जा रहा है यहाँ पे तो ये जाके कहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, और इसके जो हेड में है, हेड लॉस हो जाएगा इसका, जो आपने, क्योंकि ये कैनाल में पानी किसके कारण फ्लो हो रहा है, तो आपने बोला सर ये जो है हमारा हेड के कारण, वाटर हेड के कारण फ्लो हो रहा है, मतलब आप कोई भी पंपिंग नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, पानी तो आपने छोड़ दिया है और वैसा का वैसा ही पानी आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको बार 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 अगर कैनाल का पानी हिट करेगा तो ये एक तो सेक्शन यहाँ से वीक भी हो जाएगा और दूसरी बात यहाँ पे हेड लॉस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप एक माइल्ड स्लो प्रोवाइड करते हो तो ये जो वॉटर यहाँ पे जा रहा है उसका डायरेक्ट हिट करने का चांसेस कम रहेगा और वो आराम से इस कैनाल में फ्लो कर पाएगा, समझ में आई ये बात सर? ये ओसीएफ वाला माइल्ड फ्लो है क्या? नहीं नहीं, ये ओसीएफ वाला माइल्ड फ्लो नहीं है। माइल्ड का मतलब मैंने बोला कि रफ कर्व नहीं होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको यहां पे बताया कि इंस्टेड ऑफ सडन चेंज थोड़ा सा लॉन्ग आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रखना है अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो अपने कैनाल की, तो ठीक है। वॉटर ऑफ फ्लो थ्रू ग्रेविटी, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आई सर, फॉर अ फ्रीक्वेंटली फ्लो, यस ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आई। मैंने बोला इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अलाइनमेंट शुड अवॉइड, मैंने इसके बाद और अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो ये तीन अलाइनमेंट बताए मैंने, चौथा सुनो, अलाइनमेंट शुड अवॉइड, इन्होंने बोला चौथा बोलता है कि जो भी हमारा अलाइनमेंट हम यूज कर रहे हैं, अलाइनमेंट शुड अवॉइड किस किस को अवॉइड करना चाहिए, बोला ये वाटर बॉडीज को अवॉइड करना चाहिए, इन्होंने बोला कि किस किस को अवॉइड करे, बोला जो भी वाटर बॉडीज अगर कोई बीच में आ रही है उनको अवॉइड करना चाहिए, बोला हैबिटेट एरिया, हैबिटेट एरिया मतलब जहां लोग रहते हैं वहां से मत निकालो अपनी कैनाल को। तो आपने देखा होगा अगर आपने अपने गांव के बीच में कैनाल देखी होगी, अगर आपने अपने गांव गए होगे तो आपने कैनाल देखा होगा वो आपके गांव के बीच में से नहीं जा रही है, वो आउटर एरिया से जा रही है, या आपके सिटी में भी देखते हो आप कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी कार लेके जा रहे हो बीच में आ गई कैनाल, ठीक है। तो यू हैव सीन दैट इट इज अवे फ्रॉम द हैबिटेट एरिया, जहां पर भी लोग रहते हैं रिहायशी इलाके से दूर आपका कैनाल डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई, ठीक है। तो ये है हमारा अलाइनमेंट शुड बी अवॉइड वाटर बॉडीज एंड डिफरेंट हैबिटेट एरिया, ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आई, ठीक है। उसके बाद लास्ट अलाइनमेंट के बारे में और भी बात करता हूं, अलाइनमेंट शुड अवॉइड हाई सीपेज एरिया,
ठीक है, हाई सीपेज जोन, जहां पे आपकी सॉइल ऐसी है जहां पे सीपेज ज्यादा हो सकता है, वहां पे आप क्या करोगे, आपकी कैनाल को वहां से प्रोवाइड नहीं करोगे, दूसरे डायरेक्शन में ले जाओगे आप अपनी कैनाल को, लेकिन जहां पे सीपेज ज्यादा होता है वहां पे आप अपनी कैनाल को प्रोवाइड नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो और इसके अलावा लास्ट स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप बोल सकते हो अलाइनमेंट ऑफ कैनाल के बारे में, वो ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सीडी वर्क, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, तो ये जब मैंने अलाइनमेंट ऑफ कैनाल आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स, मैंने बोला था वॉटरशेड कैनाल, कॉन्टूर कैनाल और एक और नाम बताओ जल्दी से बताएंगे सब लोग, एक और नाम बताइए जो मैंने आपको बताया था वॉटरशेड कैनाल, कॉन्टूर कैनाल, एक मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जब आप टाइप ऑफ कैनाल्स प्रोवाइड कर रहे थे तो पहला था वॉटरशेड कैनाल, दूसरा था आपका कॉन्टूर कैनाल, तीसरा बताइए, तीसरा बताइए सब लोग जल्दी से। सर नोट्स, नोट्स आपको मिल जाएगा बेटा, साइड स्लोप कैनाल, वेरी गुड। तो आपका तीसरा था साइड स्लोप कैनाल। तो ये जब आप कैनाल्स बना रहे हो तो वो जब आपके ड्रेनेज को क्रॉस कर रही थी तो इट शुड बी मिनिमम, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमम ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एंड ड्रॉप्स शुड बी मिनिमम। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और नया वर्ड आया, शुड बी मिनिमम। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और नया वर्ड आया, सर ये ड्रॉप्स क्या होता है, ये ड्रॉप्स भी बता दीजिए सर। मैंने बोला भाई ड्रॉप को तो मैं बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने इस ड्रॉप्स को तो मैं आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बताइए सर बोला। मैंने बोला देखो कभी आप इस जो आपका जोन है, मैंने बोला आप जब मूव कर रहे हो तो मैंने बोला आप इस एलिवेशन पे मूव कर रहे हो, आपकी कैनाल जो बनाई है आपने इस एलिवेशन पे बनाई है। अब कैनाल का अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ पे जाके एकदम से आपको देखने को मिलता है स्लोप चेंज हो गया, अब ये एकदम से एलिवेशन चेंज हो गया, तो इसी को बोलते हो आप ड्रॉप्स, ठीक है, इसी को बोलते हो आप ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स को अवॉइड करना है, आपका जो कैनाल का अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि इन ड्रॉप्स को अवॉइड करे। क्यों, क्या होगा सर इससे, मतलब इससे हो जाता है हेड लॉस, हो जाता है हेड लॉस हो जाता है, साथ में यहां का ये जोन है जो हो जाता है वीक, इसको हम ड्रॉप्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी ओवर इट। बट मैंने बताया कि इट शुड अवॉइड क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड ड्रॉप्स, सबको ये अवॉइड करते हुए आपको अपनी कैनाल को डिजाइन करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज परपेंडिकुलर, यस क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज योर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टूर कैनाल, आपके कॉन्टूर कैनाल के परपेंडिकुलर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स देखने को मिलेगा आपको, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। कैनाल फॉल शुड बी मिनिमम, यस कैनाल फॉल भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कैनाल फॉल भी बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक सर, यहां तक की तो बात समझ में आई सर, यहां तक की तो बात समझ में आई है। तो चलिए आइए अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, डिजाइन ऑफ कैनाल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाला हूं मैं आपसे। मैंने बोला डिजाइन ऑफ कैनाल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाला हूँ, मतलब मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिजाइन ऑफ कैनाल के अंदर बहुत सारी बातों की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेटा रिक्वायर्ड की, कि हम लोगों को क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैंने बोला सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाना, आपको ये कैनेडीज में बहुत हेल्प करने वाला है, कैनेडीज में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट इज योर डेटा रिक्वायर्ड, आपको एक कैनाल डिजाइन करने के लिए क्या क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी वो बात करने वाले हैं। तो मैंने बोला मैं आपसे बात करने वाला हूं डेटा रिक्वायर्ड के बारे में बात करने वाला हूं, व्हाट आर द वेरियस डेटा यू रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या डिजाइन की बात करने वाले हैं उसकी बात करें, कैनेडीज पहले बात करूंगा फिर लेसी की बात करूंगा, ठीक है, पहले कैनेडी की बात करूंगा फिर लेसी की बात करूंगा। तो अभी मैंने बताया ही नहीं है कि मैं कैनेडी की बात कर रहा हूं या लेसी की बात कर रहा हूं, अभी मैं कंबाइंड बात कर रहा हूं, ना तो कैनेडी की बात कर रहा हूं ना लेसी की बात कर रहा हूं, अभी जो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं वो किसकी बात करने वाला हूं, एक कंबाइंड की बात करने वाला हूं, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आया। तो व्हाट आर द डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ कैनाल। तो मैंने बोला जो फर्स्ट डेटा यू हैव रिक्वायर्ड, द फर्स्ट डेटा यू रिक्वायर्ड इज योर डिजाइन डिस्चार्ज। मैंने बोला फर्स्ट डेटा जो आपको चाहिए इज योर डिजाइन डिस्चार्ज, कितना पानी आपको भेजना है ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज योर डिजाइन डिस्चार्ज, जनरली लोग इसको क्यू के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जनरली आपको क्यू के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है ये हुई बात, ठीक है सर। मैंने बोला इसके बाद जो सेकंड डेटा आपको देखने को मिलेगा, मैंने जो सेकंड डेटा आपको पता होना चाहिए दैट इज योर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है सर। ये बात भी समझते हैं, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखना जरा यहां पर
व्हाट आर द वेरियस सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स यू रिक्वायर्ड. तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, जब भी आप कैनाल डिजाइन कर रहे हो तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको पता करना चाहिए या आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट मैं बोलते जाऊंगा, आप मेरे को बताते जाना आप इसको किस नाम से जानते हो, आप इसको एफएम में किस नाम से जानते हो, इस सी को किस नाम से जानते हो, जल्दी से बताएंगे इस सी को किस नाम से जानते हैं. कॉमन डेटा रिक्वायर्ड, यस. इस सी को किस नाम से जानते हो, जल्दी बताओ. इस सी को नाम जानते हो आप चेजीज कॉन्स्टेंट. इस सी को नाम जानते हो आप चेजीज कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हो. ठीक है सर, चेजीज कॉन्स्टेंट हो गया. मैंने अगर इस सी को चेजीज कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हो तो इसको बताओ ये एन को किस नाम से जानते हो आप लोग. सी इज योर चेजीज कॉन्स्टेंट, यस. वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. इस एन को किस नाम से जानते हो, एन को किस नाम से जानते हो. तो मैंने बोला एन को नाम से जानते हैं रफनेस कोएफिशिएंट, वेरी गुड. तो मैंने बोला इसको नाम से जानते हैं हम लोग मैनिंग्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, मैनिंग्स कॉन्स्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं. अब अगर मैनिंग कॉन्स्टेंट को जानते हो तो इस एफ को भी जानते होंगे क्या किसी नाम से. इस एफ को शायद नहीं जानते होंगे कुछ लोग, मैं बता देता हूं. इसको बोलते हैं हम लोग सिल्ट फैक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्ट फैक्टर. और क्या बता रहा था मैं, डेटा रिक्वायर्ड. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्ट फैक्टर. और इसको बोलते हैं डी. डी को हम लोग बोलते हैं जो भी आपका साइज ऑफ पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा या साइज ऑफ सेडिमेंट बोलते हैं हम लोग. ठीक है, सिल्ट फैक्टर के बाद इसको बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ सेडिमेंट. साइज ऑफ सेडिमेंट, जो भी आपका सेडिमेंट है उसके साइज की बात करते हैं तो साइज ऑफ सेडिमेंट. ये चार डेटा सरफेस के बारे में आपको बताएंगे जब भी आप क्या कर रहे होगे, जब भी आप कैनाल को डिजाइन कर रहे होगे तो ये चार डेटा सरफेस के बारे में और डिजाइन डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब मैं बात करता हूं डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूं डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि अगर आपको डिजाइन करना है तो व्हाट आर द बेसिक डेटा यू रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूं. तो डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए है देखना जरा. डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूं, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूं. तो आपको क्या क्या बात पता होना चाहिए फॉर डिजाइन रिक्वायरमेंट. तो फर्स्ट मैंने बोला इट इज योर वेलोसिटी ऑफ फ्लो. वेलोसिटी ऑफ फ्लो, आपको फ्लो की वेलोसिटी पता होना चाहिए. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो बात आपको पता होना चाहिए वो मैंने बोला आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए. मैंने बोला आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है, डिजाइन डेटा रिक्वायर्ड में आपको ये भी पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए. उसके बाद मैंने बताया आपको थर्ड आपको पता होना चाहिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता होना चाहिए. कोई मेरे को बताएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का एक्सप्रेशन बताइए, व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, व्हाट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसका एक्सप्रेशन बताइए, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, वो डी पार्टिकल साइज है. लास्ट क्या लिखा था, लास्ट मैंने लिखा था डी, दैट इज साइज ऑफ सेडिमेंट, या तो इसको बोल सकते हो साइज ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल का साइज जो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा कैनाल में, साइज ऑफ सेडिमेंट. बहुत बढ़िया, तो कुछ लोग लिख रहे हैं वो लोग जानते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है. तो मैंने बोला हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर इज इक्वल टू होता है एरिया डिवाइडेड बाय पैरामीटर. ठीक है, आर होता है एरिया डिवाइडेड बाय पैरामीटर. बहुत ही गजब. ठीक है सर, और लास्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट में आपको जरूरत है, लास्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट में आपको जरूरत है चैनल बेड स्लोप के बारे में. ठीक है, तो इसके बेड स्लोप के बारे में आपको जरूरत है, चैनल का जो बेड स्लोप है, या आप इसको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के नाम से भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा. तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप आप प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, मतलब ये बात समझ में आ गई है. तो चलो आओ अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वेटेड एरिया अपॉन में वेटेड पैरामीटर. यस, ठीक है. तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अब हम बात करने वाले हैं कैनेडीज थ्योरी के बारे में. ठीक है, कैनेडीज थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं. हम लोग जो बात करने वाले हैं अब हमारे एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम अपने फेवरेट कलर से पढ़ेंगे, दैट इज योर कैनेडीज थ्योरी. हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, कैनेडीज थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं. कैनेडीज थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं कि व्हाट इज कैनेडीज थ्योरी. कैनेडीज थ्योरी के बारे में देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब लोग रेडी है, जल्दी से बताइए कैनेडीज थ्योरी के बारे में. यस सर, ये हाइड्रोलिक रेडियस होता है या हाइड्रोलिक डेप्थ और एरिया टॉप विड्थ होता है, बताऊंगा जैसे ही मैं अभी ये इसमें बताऊंगा. अभी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं आर. ठीक है, तो हमारे फेवरेट कलर से बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने बोला अब मैं बात करने वाला हूं आपसे कैनेडीज थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूं.
कैनेडीज थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूं, तो सब लोग रेडी हो जाइए कैनेडीज थ्योरी के बारे में। तो मैंने बोला सबसे पहली बात बताइए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप में से सब लोग उस नाम को जानते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने सेशनल के लिए उस नाम को रटते हैं, और हमारा जो भी सेशनल जो भी वाइवा लेने आता है उसको भी बहुत मजा आता है ये नाम सुनने में। जल्दी से बताइए उस नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, उस नाम को क्या बोलते हैं जो हमारा सेशनल जो भी हमारा वाइवा लेने आता है वो कैनेडीज थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है। पूछता है कौन सी साइट पे ये बात करी गई थी, तो इसको क्या बोलते हैं, यूबीडी। ठीक है, बहुत लोगों ने लिखा, एक ने लिखा है यूबीडी। जल्दी बताइए और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, मतलब हम इसको बोलते हैं अपर अपर। अब बताओ जल्दी से, अब बताओ जल्दी से क्या बोलते होंगे। बहुत बढ़िया, अपर बाटी लिख दिया किसी ने, अपर बारी डोब कैनाल। ठीक है, अपर बारी डोब कैनाल, बस रटना रहता है उनको उस टाइम पे, तो अपर बारी डोब कैनाल बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये बात हुई। मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, मैंने किसी को प्लेस पता है कि ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, किसी को प्लेस पता है ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, इज इट बायलिंगुअल और हिंदी। शक्ति, इट इज हिंदी, बट इफ यू वॉन्ट आई कैन एक्सप्रेस और आई कैन एक्सप्लेन इट, आई विल ट्राई टू मेक इट बायलिंगुअल। वेरी गुड, तो इट इज परफॉर्म्ड इन पंजाब। सो वेयर इट इज परफॉर्म्ड, कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे, दीज एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड इन पंजाब। ठीक है, दीज एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड इन, सॉरी मैंने दीज एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड इन पंजाब। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैंने बोला अगर एज पर अपर बारीडोब कैनाल या एज पर कैनेडीज थ्योरी में बात करूं, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल विद मीटर पर सेकेंड्स में अगर बात करूं, तो कैन यू टेल मी द एक्सप्रेशन। सो द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू 0.55 डी टू द पावर 0.64। कितने लोगों को याद है 0.55 डी टू द पावर 0.64। ठीक है, पंजाब इन 1895, यस। ठीक, जल्दी से लाइक कर दो बोला एक बार सेशन को, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ में, तो अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ तो जल्दी से लाइक कर देंगे एक बार सेशन को। ठीक है, तो मैंने बोला ये वी जो निकाला है आपने, वी मीटर पर सेकंड में, कोई मेरे को ये बता दो द साइज ऑफ पार्टिकल वी आर यूजिंग हियर, दिस डी, सॉरी डी इज रिप्रेजेंटिंग योर डेप्थ ऑफ फ्लो। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी यूनिट बताओ, ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो आप मेजर करने वाले हो, किस यूनिट में मेजर करने वाले हो, बिकॉज इट इज एन इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हाउ एन इंपेरिकल फॉर्मूला इज डिफाइंड, द इंपेरिकल फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड ऑन वेरियस साइट्स एंड व्हेन द रिजल्ट्स आर अप्रोक्सिमेटली सेम देन यू कंसिडर इट एज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो देर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस फॉर्मूला, सो इट इज एन इंपेरिकल फॉर्मूला वेयर यू शुड पुट द वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक यूनिट्स। ठीक है, जहां पे आपको वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक यूनिट्स में रखना पड़ेगा, जहां पे आपको वैल्यूज को स्पेसिफिक यूनिट्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, कम ऑन गाइस, टेल मी, इट इज इन मीटर्स। वेरी गुड, तो आपने देखा कि इसको हम जो बात करेंगे, हम जो बात करेंगे वो किस में बात करेंगे, मीटर्स में बात करेंगे। सो वी पुट दिस इन मीटर्स। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, जो मैं बोलने वाला हूं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब मैं जो बोलने वाला हूं। मैंने बोला अभी ये जो आपने निकाला है, ये जो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, दिस इज फॉर अपर बारीडोब कैनाल एट पंजाब। नाउ द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन सम डिफरेंट लोकेशन। तो एज पर द लोकेशन वी एडेड अ कांस्टेंट ओवर हियर टर्म्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, है ना, उसको हमने क्या बोला, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बोला। तो उस क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के लिए हमने इसमें एक कांस्टेंट को ऐड किया या एक फैक्टर को ऐड किया। व्हाट इज दिस फैक्टर, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, तो फॉर डिफरेंट लोकेशन वी हैव एडेड अ फैक्टर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। यस, वी हैव एडेड अ फैक्टर called critical velocity ratio। ठीक है, तो different locations पे जब हमने perform किया, तो हमने बोला velocity v should be equal to 0.55
एक फैक्टर ऐड किया m, है ना, मल्टीप्लाइड बाय d टू द पावर 0.64। ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये m रिप्रेजेंट कर रहा है CVR। इस CVR को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल, इस CVR को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, इस क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो इस CVR को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बोलते हो। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट, यस, ठीक ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट। मैंने बोला इसकी वैल्यू बताएंगे, CVR की वैल्यू बताएंगे। तो अगर मैंने बोला, सबसे पहले अगर आपको CVR की वैल्यू पता है, तो मैंने बोला फॉर फाइन मटेरियल के लिए, एक फाइन मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो, फाइन मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए CVR की वैल्यू बताइए। और फॉर कोर्स मटेरियल के लिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उसके लिए CVR की वैल्यू बताइए। तो अगर आप फाइन मटेरियल की बात कर रहे हैं, अगर आप फाइन मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू लाय करती है, ये जो वैल्यू लाय करती है फॉर फाइन मटेरियल, इट इज फ्रॉम 0.8 to 0.9। कहां से कहां वेरी करती है, 0.8 से 0.9 के बीच में वेरी करती है। और फॉर द केस ऑफ कोर्स मटेरियल, इट इज 1.1 to 1.2। ठीक है, कहां कहां वेरी करती है, तो मैंने बोला ये 1.1 to 1.2 वेरी करती है। ठीक है, ये हुई बात समझ में आई, ये बात। तो मैंने बोला फॉर फाइन मटेरियल इट इज 0.8 to 0.9 एंड फॉर कोर्स मटेरियल इट इज 1.1 to 1.2। ठीक है, तो ये है अब हमारी इक्वेशन जो हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट साइट अगर हमसे बात करी जाएगी तो। ठीक है, तो ये बात तो हमको समझ में आई। ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आई। अगर ये बात हमको पूरी समझ में आती है, अगर ये बात हमको पूरी समझ में आती है, तो नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर हाउ टू डिजाइन अ, लेट्स सी द प्रोसीजर हाउ टू डिजाइन अ कैनाल एज पर कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी के हिसाब से आप कैसे कैनाल को डिजाइन करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आओ जरा अब हम बात करते हैं एज पर कैनेडीज थ्योरी। ठीक है, प्रोसीजर टू डिजाइन। ठीक है, ध्यान से देखते जाना आप कैसे डिजाइन कर रहे होगे। ठीक है, प्रोसीजर टू डिजाइन, टू डिजाइन। ठीक है, डिजाइन प्रोसीजर देख रहे हैं हम लोग। मैंने एक बात को याद रखोगे, ये जो है ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, याद रखोगे ये क्या है, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब कभी आप परफॉर्म करोगे इसको, कभी आप नहीं, कभी आएगा आंसर, कभी नहीं आएगा, तो आपको बार 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 आर्बिट्री वैल्यूज रख रख के चेक करना पड़ेगा। तो इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टेप नंबर वन। तो चलिए आइए, ध्यान से सुनते जाइएगा, अब जो मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टेप नंबर वन की बात कर रहा हूं। तो फॉर द केस अगर आप स्टेप नंबर वन में बात करोगे, तो मैं बोलूंगा स्टेप नंबर वन में व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, हमारे फेवरेट कलर से बात करना स्टार्ट करेंगे। मैन ला वी विल अज्यूम, अज्यूम, अज्यूम डेप्थ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम डेप्थ ऑफ फ्लो। तो पहली स्टेप है अज्यूम करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो, अज्यूम करते हैं। और जनरली ये जो वैल्यू आप अज्यूम करोगे, जिसको आप डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हो, जिसको आप डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हो, इट शुड बी इक्वल टू 1 meter। पहले आप क्या अज्यूम करोगे, जनरली मैं बोलता हूं आपको कि डेप्थ ऑफ फ्लो आप जनरली क्या अज्यूम करोगे, 1 meter अज्यूम करोगे। ठीक है सर, मैंने नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे स्टेप नंबर टू की। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे स्टेप नंबर टू की। अब स्टेप नंबर टू में आप क्या करोगे, मैंने बोलूंगा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे फॉर स्टेप नंबर टू, इट शुड बी v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, 0.55 मल्टीप्लाइड बाय m इनटू d होल रेस टू द पावर 0.64। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, m की वैल्यू आपको दी रहेगी तो फाइन, नहीं दी रहेगी तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, m की वैल्यू आपको दी रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आया हमको, ये बात समझ में आया हमको। ठीक है, ठीक सर, मैंने बोला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो स्टेप नंबर थ्री की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो मैं नेक्स्ट आपसे बात कर रहा हूं स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया, ध्यान से सुनते जाना, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द एरिया। और अगर आपसे कोई भी एरिया की बात करेगा, अगर आपसे कोई भी एरिया की बात करेगा, तो आप बोलोगे दिस एरिया शुड बी इक्वल टू डिस्चार्ज, तो आपको पता रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाट आर द डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग, तो आपने बोला था डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज तो आपको पता रहेगा। तो डिस्चार्ज
डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। मैंने ये बताया था आपको एरिया के बारे में। देखो इसकी यूनिट क्या रहती है, मीटर क्यूब पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड। तो फाइनली जो एरिया की यूनिट मिल रही होगी वो आपको मीटर स्क्वायर मिल रही होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो यू विल गेट द यूनिट एज मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आई। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इसको एरिया को एक और तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने आप यहां पर जो कैनाल अज्यूम कर रहे हो डिजाइन करने के लिए, यू आर अज्यूमिंग अ कैनाल दैट इज सॉरी मतलब यू आर अज्यूमिंग अ कैनाल दैट इज ट्रेपेजॉइडल इन शेप। तो वी आर अज्यूमिंग अ कैनाल, हम लोग जो कैनाल अज्यूम कर रहे हैं वो कौन से शेप की है, वो ट्रेपेजॉइडल शेप की है। वो कौन से शेप की है, ट्रेपेजॉइडल शेप की है, ट्रेपेजॉइडल शेप की है, ट्रेपेजॉइडल शेप की है। ठीक है सर, ट्रेपेजॉइडल मान लिया हमने। अगर ये ट्रेपेजॉइड है तो मैंने बोला देखो जरा एरिया निकलवाना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये कम बातें आपको देखने को मिलेगी, आपको एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखाया जाता है, फिर आप परेशान होते हो वो एक्सप्रेशन कहां से आया। तो मैंने बोला मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं एरिया निकालना चाहता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैंने ये रही आपकी ट्रेपेजॉइडल कैनाल, ध्यान से देखना, ये रही आपकी ट्रेपेजॉइडल कैनाल। इस ट्रेपेजॉइडल कैनाल में यहां तक पानी भरा हुआ है, मैंने इस ट्रेपेजॉइडल कैनाल में यहां तक पानी भरा हुआ है। तो मैंने बोला डेप्थ ऑफ फ्लो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपने बोला ये रहा सर मेरा डी। मैंने बोला ये जो आपने स्लोप प्रोवाइड किया है, ये जो आपने स्लोप प्रोवाइड किया है इसको मैं बोल देता हूं ऐसा। मैंने ये जेड हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं और वन वर्टिकल बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, जेड हॉरिजॉन्टल रेशियो वन वर्टिकल की बात करिए। तो दोनों साइड मैंने स्लोप बराबर प्रोवाइड किया है, वन वर्टिकल और जेड हॉरिजॉन्टल। मैंने अगर कोई इसके बेस विड्थ की बात करेगा तो उसको मैं बी बोल रहा हूं, इसके कोई बेस विड्थ की बात करेगा तो मैं बी बोल रहा हूं। तो सर मेरे को एरिया ऑफ फ्लो निकालना है कि एरिया कितना आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, फॉर द केस ऑफ एरिया मैं इसको यहां से ऊपर मार्क कर देता हूं और यहां से ऊपर मार्क कर देता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। मैंने बोला ये देखो ये वाला जो एरिया रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, तो बोला जेड इंटू डी के बराबर रहेगा, तो ये किसके बराबर हो गया, जेड डी के बराबर हो गया। और मैंने बोला ये भी जो एरिया रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, जेड इंटू डी के बराबर रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक की बात करोगे, अगर यहां से यहां तक की बात करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बोला बी के बराबर आ जाएगा। तो कोई अगर टॉप सरफेस की बात करेगा आपसे तो टॉप सरफेस जो रहेगी आपकी वो कितना डिस्टेंस रहेगा, तो टॉप सरफेस की अगर कोई भी आपसे बात करेगा तो दिस टॉप सरफेस शुड बी इक्वल टू बी प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू डी के बराबर। ठीक है सर, ये बात समझना है। मैंने पूछा बॉटम सरफेस की विड्थ की अगर मैंने बात करी, बॉटम सरफेस की विड्थ की बात करी तो वो किसके बराबर, बी के बराबर। मैंने एरिया बताइए, ट्रेपेजॉइड का एरिया आपको निकालना है, तो अगर मैंने आपसे एरिया पूछ लिया किसी दिन तो आप बोलोगे इट इज सम ऑफ अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, बी प्लस ट्वाइस ऑफ जेड डी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम बाय टू। ऐसा करते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है टू बी प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय डी बाय टू। मतलब टू बाहर निकाल लो और टू से टू कैंसिल कर दो तो आपके पास बचा बी प्लस जेड डी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। ये है आपका एरिया, एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला। तो आपने बोला एक तरीके से एरिया निकालोगे इससे क्यू इंटू वी से, और दूसरा तरीका आपका होना चाहिए ये। तो आप बोलोगे दूसरा तरीका फॉर एरिया ए इज इक्वल टू किसके बराबर, तो आपने बोला बी प्लस जेड इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। अब ये मेरे को बता दो कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, अब बस मेरे को ये बता दो कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है जो मैं आपको बात बता रहा हूं, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब आप एरिया कैसे निकाल रहे हो। सब लोगों को बात समझ में आई है बेटा, बी प्लस ट्वाइस ऑफ जेड डी नहीं होगा ना, बी प्लस जेड डी होगा केवल। चमका सब लोगों को, चमका कमॉन गाइस जल्दी से बताएंगे, सब लोगों को समझ में आया, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, यहां तक क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही उम्दा। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई है, ठीक, अगर तुमको ये बात समझ में आ गई है, हाँ हमने जेड जेड तो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, स्लोप दिया जाएगा इसका कि कितना वन रेशियो रेशियो कितना हॉरिजॉन्टल, वन वर्टिकल रेशियो कितना हॉरिजॉन्टल।
क्रिटिकल वेलोसिटी को मॉडिफाई क्यों किया है? क्योंकि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अपर बारेडोब कैनाल पे कर रहे थे, लेकिन अब आपको किसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अगर उसी फॉर्मूला को यूज करना है तो एज पर दी मटेरियल एंड एज पर दी साइट कंडीशन आपने उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है दीपेश, तुम्हारे लिए था ये। ओके टेल, प्लीज टेल इन इंग्लिश। तो क्या नाम है तुम्हारा? भाग्यश्री। यस भाग्यश्री, व्हाट आई हैव डन, व्हाट इज योर डाउट इन दिस? आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। दिस इज द क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रेपेजॉइड। वी आर टेकिंग द स्लोप एज वन वर्टिकल रेशियो, जेड हॉरिजॉन्टल, सो द होल अपर द टॉप विड्थ शुड बी इक्वल टू बी प्लस ट्वाइस ऑफ जेड डी एंड बॉटम विड्थ शुड बी बी and now we have to calculate the area of the trapezoid, that is half of sum of opposite side into distance between them. So the final expression for the area we are getting here is b plus zd into d. ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आ गया हम लोगों को, ये बात हमको समझ में आ गया। ठीक है सर, अब अगर सर ये बात समझ में आ गई है, सर अगर हमको ये बात समझ में आ गई है तो देखिएगा जरा अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ठीक है तो चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये एरिया अगर आपको समझ में आ गया तो यहां पे एक और स्टार मार्क डाल के या आप नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। अब यहां पर नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, ठीक है यहां पर, तो नोट डाल के लिखेंगे सब लोग, यहां पर नोट डाल के सब लोग एक पॉइंट लिखेंगे। फॉर द केस If z is not given, अगर z नहीं दिया है, for the case if z is not given, then assume it as 0.5. अगर किसी दिन आपको z नहीं दिया जाता है तो आप z की वैल्यू क्या कंसिडर करने वाले हो? z की वैल्यू 0.5 कंसिडर कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? अगर z की वैल्यू आपने 0.5 कंसिडर करी तो दिस वैल्यू वुड बी b प्लस 0.5d मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। ठीक है, सो फॉर द केस इफ z इज नॉट गिवन देन अज्यूम इट एज 0.5। ठीक है, इफ z इज नॉट गिवन इन एनी केस अज्यूम इट एज 0.5। सो दिस इज द वे हाउ एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है सर, सर एरिया समझ में आ गया। नाउ वी नीड टू टेक स्टेप नंबर 4। स्टेप 3 स्टेप हो गई है। Now we need to move for step number 4. So let's move to step number 4. What is step number 4? So for the case, if you want to calculate step number 4, so what is this step number 4? Now we need to calculate the parameter. Okay, calculate parameter. What do you need to do? You need to calculate the parameter. Okay, weighted parameter ki baat kar rahe hain. What is the various parameter ki agar aapse koi bhi baat karega? मैंने अगर आपसे पैरामीटर की बात करेगा तो हाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी पैरामीटर, देखना जरा यहाँ पे। अब मैं आपको फिर से पैरामीटर कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं, तो सब ध्यान से सुनना। ये रहा आपका कौन? कैनाल। दिस इज योर कैनाल शेप। ठीक है, ये है आपका कैनाल। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। इफ इट इज योर कैनाल, व्हाट आई एम डूइंग, इफ इट इज योर कैनाल तो हमने क्या किया, देखो जरा यहाँ पे, ये है आपका कैनाल एंड दिस इज योर डेप्थ ऑफ वाटर डी, दिस इज योर डेप्थ ऑफ वाटर डी। ठीक है सर, मैंने बोला इसका स्लोप आज भी जो आपने कंसिडर किया, यू आर कंसिडरिंग द स्लोप एज 1:z and 1:z। तो आपको मैंने जब बोला कि वॉट इज दिस डिस्टेंस, तो यू सेड दैट दिस वुड बी इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी। ठीक है सर, ये बात समझ में आए। मैंने बेस विड्थ की किसी ने आपसे बात करी तो यू सेड दैट द बेस विड्थ वुड बी इक्वल टू बी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी। ठीक है सर, यहां तक की तो बात हमारे समझ में आ गई। सर पैरामीटर कैलकुलेट करना है, पैरामीटर जो इस पानी से भीगा हुआ पैरामीटर है उसकी बात करना है, तो मैं कौन से पैरामीटर की बात कर रहा, ध्यान से देखना मैं कौन से पैरामीटर की बात कर रहा, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं कौन से पैरामीटर की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला मैं इस पैरामीटर की बात कर रहा हूं। ये देखो मैंने कलर चेंज कर दिया, सॉरी मैंने, ये देखो मैंने कलर चेंज कर दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो सरफेस आपको पर्पल कलर की दिख रही है मैं उस पैरामीटर की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, अगर उसकी बात करता हूं तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे इस सरफेस का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस zd है और ये डिस्टेंस अगर d है तो इसको बोल सकते हो आप अंडर रूट ऑफ, ये पाइथागोरस लगा दो तो इट इज अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। बोलो हाँ, जेड स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस डी स्क्वायर के बराबर।
मैं ना d स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो दिस वुड बी इक्वल टू d अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर के बराबर। क्या ये बात समझ में आई है, बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है जो मैंने यहां पे बात बोली है? कितने लोगों को ये बात सॉरी कुछ हुआ है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? बोलिए यस और नो, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? तो दिस इज योर स्लोप साइड, साइड ऑफ स्लोप निकाल लिया आपने। अगर साइड ऑफ स्लोप निकाल लिया मतलब लेंथ ऑफ स्लोप निकाल लिया तो यहां पर भी दिस वुड बी इक्वल टू डी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर के बराबर, d प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर के बराबर। और ये भी, तो अगर मैं आपसे यहां से पैरामीटर निकालने के लिए बोलता हूं, अगर मैं यहां से आपके लिए पैरामीटर निकालने बोलता हूं तो दिस पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा? मैंने लगा पैरामीटर शुड बी दिस डिस्टेंस प्लस b, तो मैं बोल देता हूं इट शुड बी इक्वल टू b प्लस ट्वाइस ऑफ d अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर। देखो ये एक्सप्रेशन आया आपका, बोलिए हाँ या ना। देखिए ये एक्सप्रेशन आया b प्लस 2d अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर, ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर। सो फॉर द केस इफ एवर यू वांट टू कैलकुलेट, सो फॉर द केस इफ एवर यू वांट टू कैलकुलेट द पैरामीटर, दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट, दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट। इज दिस ओके चमका सब लोगों को? ठीक है सर, अगर ये समझा मेरे को तो मैंने बोला अब आपको पैरामीटर निकालना आ गया है, अब आपको पैरामीटर निकालना आ गया है, नाउ आई नीड कि आप ये निकालिए, नाउ आई नीड कि आप यहां पे z का वैल्यू 0.5 पुट कर दीजिए, z का वैल्यू 0.5 पुट करो और बताओ कि b का z, अब आपका ये जो पैरामीटर p है उसका वैल्यू कितना आ रहा होगा। तो जैसे ही आपने z का वैल्यू पुट करा p 0.5 तो ये हो जाएगा b प्लस d रूट 5 के बराबर। ठीक है, तो आपने क्या बोला, जब मैंने यहां पे z का वैल्यू 0.5 पुट करा तो आपका जो पैरामीटर का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, b प्लस d रूट 5 के बराबर, b प्लस d रूट 5 के बराबर। सर कैन वी डू बोथ विद द, कैन वी डू विद द एंगल सर, हाउ यू विल शक्ति, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट द एंगल? एंगल इज नॉट लाइक यू जस्ट नीड टू, व्हाट दे हैव गिवन टू यू इज जस्ट द स्लोप। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस दिस डिस्टेंस विद एंगल ऑल्सो, देर इज नो वरी अबाउट इट बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गिवन एंगल हियर, सो यू कैन डू इट विद एंगल ऑल्सो और यू कैन डू विद दिस मेथड्स ऑल्सो, दिस मेथड ऑल्सो, बट आई थिंक फॉर द स्टूडेंट पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इज ईजी, दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन दिस मैनर। फाइन, ठीक है, तो हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया कि दिस इज बी प्लस पैरामीटर इज इक्वल टू बी प्लस डी रूट फाइव। लाइक कर दो बोला एक बार सेशन को, अगर यहां तक की सारी बात समझ में आ गई है, बार बार नहीं बोलूंगा बोला, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई सब लोगों को? नोट्स कहां मिलेंगे बेटा? आज का नोट बस मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि आई वॉज बिजी इन सम वर्क, वरना आपको यहीं पे मिलता है नोट्स। ठीक है, फाइव ही आएगा, अंडर रूट फाइव ही आएगा, अंडर रूट फाइव आएगा, उसको कैलकुलेट करना, अंडर रूट फाइव आएगा, शिखा अंडर रूट फाइव आएगा, है ना, डोंट वरी, अंडर रूट फाइव आएगा। कौन गए सेंचुरी? ठीक है, लाइक का सेंचुरी बनाओ फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से 100 कर दो बोला, लाइक 100 कर दो फिर बात करते आगे, जल्दी 100 कर दो, इट इज एट 98 मेरे स्क्रीन पे, मेक इट 100 देन विल टॉक फर्दर, मेक इट 100, कम ऑन, make it 100 then we'll talk further, then we'll talk further। ठीक, बहुत बढ़िया, z का वैल्यू 0.5 रखा तो बोल रहे हैं 1.25 आ रहा है बेटा, एक बच्चे ने कैलकुलेट किया, देखो अभय प्रताप सिंह ने, उसने कैलकुलेट किया, आ रहा है उसका आंसर। तो मैंने बोला यही आएगा आंसर, मेरे को तो पता ही है, मैं तो हजार बार कैलकुलेशन कर चुका हूं इसलिए। ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। कितनी स्टेप्स हो गई है देखो जरा, यहां पर चार स्टेप हो गई आपकी, चार स्टेप हो गई है। नाउ विल टॉक अबाउट स्टेप नंबर 5, देखो जरा अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 5? तो योर स्टेप नंबर 5 इज, नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 5। तो अभी तक आपने क्या क्या निकाल लिया,
बोला आपने एक बार डी अज्यूम कर लिया, स्टेप नंबर वन में आपने डेप्थ ऑफ फ्लो अज्यूम कर लिया, स्टेप नंबर टू में आपने वेलोसिटी अज्यूम कर लिया, स्टेप नंबर थ्री में आपने एरिया निकाल लिया, स्टेप नंबर फोर में आपने पैरामीटर निकाल लिया, स्टेप नंबर फाइव में आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालेंगे। तो स्टेप नंबर फाइव इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, स्टेप नंबर फाइव इज योर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आप निकाल रहे हो। ठीक है भाई, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने का तरीका है, इट इज इक्वल टू आर बोलेंगे, और आर इज इक्वल टू किसके बराबर, एरिया अपॉन में पैरामीटर के बराबर। ठीक है, यहां से आर की बात करेंगे, आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पैरामीटर से आप स्टेप नंबर फाइव से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लेंगे। ठीक है, फाइव ही आ रहा है, हाँ फाइव आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टेप नंबर सिक्स की बात करेंगे। तो देखो जरा यहां से, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, स्टेप नंबर सिक्स की बात कर रहा हूं, स्टेप नंबर सिक्स की बात कर रहा हूं। तो स्टेप नंबर सिक्स किसकी बात कर रहा होगा, मैंने बोला यहां से भी आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, यहां से भी आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे। मैंने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैंने बोला एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना और मेरे को बताना आप ये फॉर्मूले को क्या नाम दिया जाता है, इस फॉर्मूले को आप किस नाम से जानते हो। ठीक है, अब इस प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप किस नाम से जानते हो बताने की कोशिश करना, मैंने बोला। तो देखो जरा यहां पे, इस फॉर्मूले को आप किस नाम से जानते हो मेरे को बताने की कोशिश करना। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 23 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय 0.00155 by s whole divided by 1 plus 23 plus 0.00155 divided by s multiplied by n by root r whole multiplied by root rs, whole multiplied by root rs। बता दो इस फॉर्मूले को किस नाम से जानते हो, इस फॉर्मूले को किस नाम से जानते हो, कुटर्स फॉर्मूला। यस, तो यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी यूजिंग कुटर्स फॉर्मूला। आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको कुटर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, कुटर्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या निकाल लेना है, मतलब इस फॉर्मूले से आपको क्या निकाल लेना है, वेलोसिटी निकाल लेना है। यहां पे s किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने लगा ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, n यहां पे मेनिंग्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, r यहां पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इसके अलावा कोई तीनों टर्म ही नहीं है, ये तीन ही टर्म्स हैं जिनको आप जानते हो, ये तीन ही टर्म्स हैं जिनको आप जानते हो। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, तो आपने छह स्टेप निकाल लिए, यहां पे आपने सिक्स्थ स्टेप में क्या निकाला है, यहां पे सिक्स्थ स्टेप में आपने वेलोसिटी निकाला है, आपने यहां पे सिक्स्थ स्टेप में आपने वेलोसिटी निकाला है। ठीक है, हो गया, ये छह स्टेप है, ये छह स्टेप है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, ठीक है, ठीक है सर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू क्या बोल रहे हो, आर हाइड्रोलिक रेडियस होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नहीं होता है। पिछला वीडियो प्राइवेट है, दोबारा कैसे देखेंगे, पिछला वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, नहीं होगा प्राइवेट, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, डोंट वरी, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या करना है, What you need to do? अब next step क्या बोलता है आपका, step number 7 क्या बोलेगा आपको, तो मैंने कहा देखो ये है आपका step number 7, जो कि most important step है, step number 7, वो बोलता है आपको compare करना है, compare velocity, कहाँ गया की, from step number 2 की velocity and स्टेप नंबर सिक्स की वेलोसिटी, कंपेयर वेलोसिटी को आपको कंपेयर करना है, स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर सिक्स की वेलोसिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, अच्छा लास्ट वीडियो प्राइवेट है गौरी, एन का मतलब है आई नीड टू सी वंस। मैं देखूंगा, अगर प्राइवेट होगा तो मैं बात करूंगा। ठीक है,
अच्छा फ्राइडे को मैंने लिया नहीं था सेशन, लिया तो था यार। अरे मैंने फ्राइडे को सेशन नहीं लिया, फ्राइडे को लिया है यार सेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्राइडे को लिया होगा ना, मैंने ये बताया होगा आप लोगों को बेस्ड वाटरशेड कैनाल और ये सब बताया होगा। हाँ एन तो मैनिंग्स कांस्टेंट है, चालू है सर जी। कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, डोंट वरी। वो कोई और वीडियो है, मैं बताता हूँ वो कौन सा वीडियो है। वो सैटरडे को मैं एक आपका प्रैक्टिस सेशन लेने वाला था, वो वीडियो है, वो प्राइवेट है, उसमें कोई बात नहीं, वो हुआ ही नहीं है तो प्राइवेट, इसलिए बस उसका लिंक जनरेट हो गया था इसलिए उसको प्राइवेट करवाया था। बीच में एक दिन नहीं हुआ था वो, नहीं 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 सारे दिन हुआ है, इरिगेशन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जब हुआ नहीं हो। वो सैटरडे को मैं आपका एक सेशन लेने वाला था बट सेशन नहीं लिया था, वो वीडियो है वो। ठीक है तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया इसको इन दोनों को, तो आप देखना जरा, ऐसा बोलूंगा मैं कि मान लेते हैं स्टेप नंबर टू से जो आपकी वेलोसिटी आई थी, ये कुछ भी अजम्पशन है, एक आर्बिट्री वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। स्टेप नंबर टू से आपकी वेलोसिटी आई मान लेते हैं 0.746, स्टेप नंबर टू से आपकी वेलोसिटी आई 0.746 मीटर पर सेकेंड, और स्टेप नंबर सिक्स से आपकी वेलोसिटी आई, स्टेप नंबर सिक्स से आपकी वेलोसिटी आई, स्टेप नंबर सिक्स से आपकी वेलोसिटी आई 0.752 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों मैच हो रहा है? बोला नहीं हो रहा है सर, ये दोनों अलग वैल्यू आ रही है। हाँ सर अलग वैल्यू आ रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देन चेंज द वैल्यू ऑफ डी, चेंज करो, चेंज वैल्यू ऑफ कैपिटल डी एंड रिपीट द प्रोसेस, एंड रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द डिजाइन स्टेप्स। ठीक है, इस तरीके से आप डिजाइन स्टेप को रिपीट करके, रिपीट द डिजाइन स्टेप। अब डी की वैल्यू आप कुछ और रखोगे तो डी की वैल्यू मैंने जैसे 1.25 रखी, अब 1.25 करके फिर ये वेलोसिटी निकालूंगा, फिर ये वेलोसिटी निकालूंगा। जब तक दोनों मैच नहीं हो रही होगी तब तक आपका करेक्ट आंसर आप नहीं बोल पाओगे, जब तक आपकी दोनों वैल्यू मैच नहीं होगी तब तक आप उसको करेक्ट आंसर नहीं बोल पाओगे। और जैसे ही दोनों मैच हो गई तो इसका मतलब आप आपने करेक्ट डेप्थ ऑफ वाटर अज्यूम कर लिया एंड करेक्ट सारी वैल्यूज को निकाल लिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए जल्दी से यस और नो, यहां तक क्लियर है? तो इसीलिए इसको बोला था ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, आपने आपको बार 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 इटरेशन करना पड़ेंगे, एक बार निकाला दो बार निकाला तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो यहां तक सही बात है, सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये डिजाइन स्टेप सब लोग वापस से एक बार फिर से पढ़ना जब आप आओगे कल, क्योंकि कल हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे इन डिजाइन स्टेप के बारे में। ठीक है, प्रोसीजर टू डिजाइन में स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ठीक है, स्टेप नंबर फोर, दिस इज योर स्टेप नंबर फोर, दिस इज योर स्टेप नंबर फाइव एंड दिस इज योर स्टेप नंबर सिक्स एंड सेवन। ठीक है, तो ये सारी डिजाइन स्टेप। शेल वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप? वाई यू नीड टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप? क्यों जाना है बॉटम टू टॉप पे? तो ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पे, हम लोग अपने कैनेडीज थ्योरी पे कल एक क्वेश्चन देखेंगे, तो मेक श्योर कल आप लोग अवेलेबल रहे। तो हम लोग कल बात करेंगे कैनेडीज थ्योरी के क्वेश्चन के बारे में, और फिर कैनेडीज से क्या दिक्कत हुई है जिसको लेसी ने कवर अप किया, लेसी को क्यों आना पड़ा बीच में कैनेडी को रोकने के लिए कि भाई रुक गलत डिजाइन कर दे रहा है, है? कुछ तो सुन मेरी बात को। तो फिर आया लेसी बीच में और लेसी ने अपनी बातों को शुरू किया। ठीक है, तो कल ये सारी बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। ठीक है, जनरली तीन तीन डिजिट तक सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी टाइम हो गया आज, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सर इरिगेशन के लिए भी स्पेशल क्लास रखिए। ठीक है, एनवायरमेंट का क्लास नहीं होगा। ठीक है, पांच आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से रात को 8 बजे मिलूंगा, सॉरी 9 PM मिलूंगा मैं आपसे डायरेक्ट, और रात में 9 बजे हम लोग देख रहे होंगे आपका, मिलना रात को 9 बजे आपका रहेगा, 9 PM आपको देखने को मिलेगा, आपको रात में 9 बजे हम लोग देख रहे होंगे जियोटेक। ठीक है, जियोटेक देख रहे होंगे, कहां पे देखते हैं ये जियोटेक हम लोगों ने मिला, मैंने बोला इसको देख रहे होंगे आप मेरे साथ प्लैनेट गेट चैनल पे, मिला इसको देख रहे होंगे आप मेरे साथ प्लैनेट गेट चैनल पे। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, दोज हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कैन मीट मी एट 9 PM ऑन फॉर जियोटेक एट प्लैनेट गेट चैनल। ठीक है, तो सी यू गाइस ऑल एट प्लैनेट गेट एट 9 PM एंड विल हैव फन टुगेदर ओवर देयर। ठीक है, नाइट में जियो कितने है? कितना समय होगा? कल का लेक्चर था क्या जियोटेक का? कल नहीं था कोई भी जियोटेक का लेक्चर,
आज बात करेंगे जियो टेक के बारे में, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, मिलता हूं आप लोगों से रात को 9 बजे, तो मेक श्योर आप लोग अवेलेबल रहें, गजब का धूम मचाएंगे आज, यूनिट वेट के आगे बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, और एक और आप लोगों के लिए एक और ऑफर आया आप लोगों के लिए आज वापस से, कि अगर आप आज परचेस करते हो, अगर आप अपना कोर्स आज परचेस करते हो तो वापस से आप लोगों के लिए ये ऑफर आ गया है, देखो जरा यहाँ पे 12+2, हाँ 12+2, मतलब अगर आप 12 महीने के लिए खरीदते हो तो आप लोगों के लिए ये देखिए वापस से ये ऑफर आ गया, एक सेकंड, 12+3 है, 2 है, अच्छा 12+2 है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे आज अगर आप कोर्स परचेस करते हो, जितने भी लोग मेरे पहचान मेरे जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो अगर आज सब्सक्राइब करते हैं, आज सब्सक्राइब करते हैं, आज प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ लेने पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो मेक श्योर आप देख ले इस चीज को, ठीक है? तो अगर आप प्लान कर रहे हैं और अगर आप मेरे गाइडेंस में स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी को तो ये सही टाइम है, इससे ज्यादा लेट होते जाओगे तो शायद सब लोगों से पीछे रह जाओगे, तो मेक श्योर आप ये देख रहे हो, ठीक है? तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, मिलता हूं आप लोगों से रात को 9 बजे।